अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ माया मुस्तफ़ा और आज मैं आपको परमा कल्चर के बारे में बताने लगा हूँ जो मैंने अपना वर्क शुरू किया हुआ है। अपनी ज़मीनों पे वो वर्क चल रहे हैं। ये परमा कल्चर परमानेंट एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर और परमानेंट को मिला के ये परमानेंट एग्रीकल्चर बने, तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूँ। ये एथिकल और रीजनरेटिव फूड सिस्टम है। इस सिंथेटिक खुराक की वजह से इंसानों की सेहत गिरती जा रही है, इसलिए ये परमा कल्चर को डिज़ाइन किया गया है। इन 1970s डेविड होमग्रीन एंड बिल मॉरिसन परमा कल्चर लेके आए थे। उनने पहली बुक लिखी थी परमा कल्चर के ऊपर। परमा कल्चर 1978 में पब्लिश हुई थी। द फर्स्ट परमा कल्चर डिज़ाइन कोर्स वो कंडक्टेड इन 1980। अगर मैं आज की बात करूँ तो पूरी दुनिया में हर मौसम में हर खित्ते में परमा कल्चर जारी है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि एथिकल डिज़ाइन सिस्टम है, ये डिपेंड करता है अल्लाह के निज़ाम के ऊपर। इसमें जंगल के निज़ाम को स्टडी किया गया है। ये ऐसा कुदरती निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम डिवाइड किया जाता है जैसे इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एंडलेस सिलसिला शुरू हो जाते हैं। जब ये एलिमेंट्स मिलते हैं, ये बर्ड्स के ड्रॉपिंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स से एक ऐसा निज़ाम बनता है जिससे इंसान के लिए बड़ी अच्छी और आला किस्म की खुराक बनती है। खुराक के लिए एक सिलसिला डिवेल्प होने लग जाते हैं। जब हम प्लांट्स की मुख्तलिफ स्पीशीज, बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह मिलाते हैं तो एक डाइवर्सिटी सिस्टम डिवेल्प होता है। जैसे मैंने डाइवर्सिटी की बात की है जिसमें मुख्तलिफ पौधे लगते हैं, इनके पत्ते गिरते हैं, लेग्यूम्स को हम काट के भी डालेंगे उन पे, उससे नाइट्रोजन आती है। लेग्यूम्स को काट के ज़मीन पर चॉप एंड ड्रॉप करते हैं, बर्ड्स की ड्रॉपिंग गिरेगी, एनिमल्स का मैन्योर भी ज़मीन में यूज होगा। इससे जो ज़मीन कवर होती जाएगी उसमें फिर ज़मीन के अंदर माइक्रोबायोलॉजी पैदा होंगे। माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि जैसे फंगस, बैक्टीरिया, नेमाटोड, अर्थवर्म्स और करोड़ों जो नज़र नहीं आने वाले कीड़े मकोड़े, वो जो पौधों के लिए खुराक बनाएंगे और वो फसल के लिए भी खुराक पैदा करेंगे। ये खुराक पौधे लेकर हेल्दी फूड बनाएंगे और ये जब फ्रूट इंसान खाएंगे तो उनकी सेहत वापस आ जाएगी। ये जो परमा कल्चर है ये हर जगह पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी किसी जगह पे हो, ये हर जगह पे हो सकता है। जैसे जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पे अकेली बारिश ही होती है, वहाँ पे भी हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान में हार है, चोलिस्तान है और हर है, यहाँ पे भी हो सकते हैं। या जब बारिश होती है तो बारिशों का पानी हम सोइल बना के स्टोर कर लेते हैं उनमें। जब ये पानी हमारे पास स्टोर हो जाता है तब हम उस पानी से भी परमा कल्चर स्टार्ट करते हैं। परमा कल्चर है एक होलिस्टिक डिज़ाइन साइंस है। ये सिर्फ फार्मिंग और गार्डनिंग नहीं है, इसमें हम पानी को स्टोर करने का सिस्टम डेवलप करते हैं पहले, फिर ज़मीन को तवज्जो देते हैं। हम ये यूजफुल रिसोर्सेज हम परमा कल्चर को सप्लाई करते हैं और एनर्जी सिस्टम डेवलप करते हैं, वेस्ट सिस्टम डेवलप करते हैं, कल इकोनॉमिक और लोगों का सिस्टम डेवलप किया जाता है। इसके अंदर हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती है। हर फंक्शन को बहुत सारे एलिमेंट सपोर्ट करते हैं और हर एलिमेंट बहुत सारे फंक्शन को सर्व करता है। परमा कल्चर में हर चीज़ टू वे में काम करती है। इसमें डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस होते हैं। इसमें सॉल्यूशंस को देखा जाता है, प्रॉब्लम्स को नहीं। प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन होता है। परमा कल्चर में कोऑपरेशन होते हैं, ना कि कंपीट किया जाता है। परमा कल्चर में हर चीज़ को उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी में यूज़ किया जाता है। ये जो अब एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। हल चलाने से लेकर बीज लगाना, खाद डालना, स्प्रे करना, बहुत मेहनत है ये। लेकिन परमा कल्चर में ना तो ट्रैक्टर चलते हैं, ना तो खाद डालनी पड़ती है, ना तो स्प्रे करना पड़ता है। अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे हम फसल लगाते हैं तो उसे अकेला डेली करना पड़ता है और बस कभी कभार पानी देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत सारे इंसान मिलके काम करते हैं, परमा कल्चर में अगर हम मिलके काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। परमा कल्चर में बड़े बड़े सिस्टम नहीं बनाए जाते, छोटे छोटे सिस्टम बनाए जाते हैं।
आम एग्रीकल्चर का सिस्टम का होता है कि अगर किसी की फसल उतार के वो बिके ना, कम रेंज में बिके, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो परमाकल्चर में ऐसा नहीं होता। परमाकल्चर में मुख्तलिफ प्लांट्स लगाते हैं, उस फसलें लगाते हैं, उससे नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये परमाकल्चर में दो चीज़ होती है, फूड फॉरेस्ट होते हैं और स्टेपल फूड्स होते हैं। स्टेपल फूड में आ जाते हैं गंदम, चावल, ऐसी जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले होते हैं। फूड फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो उसमें जो हम प्लांट लगाते हैं वो लेयर में लगाते हैं। सबसे पहले कनोपी ट्री होता है, वो 30 फुट से भी ऊपर निकल जाते हैं। इसमें टिम्बर ट्रीज हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी हो सकते हैं, फूड प्लांट भी हो सकते हैं। मैंने अपने परमाकल्चर में दो चीज़ें रखी हैं, पहले मैंगो है, फिर नाइट्रोजन फिक्सर है। पर टू पे जो आते हैं वो अंडे कनोपी ट्री है, ये 10 से 30 फुट की हाइट के प्लांट्स होते हैं। इसके अंदर मैंने सिट्रस लगाया है, गावा लगाया है। नंबर 3 पे आता है श्रब लेयर, ये 10 फुट तक के पौधे होते हैं। इनमें वो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं जिनको फ्रूट लगता है, जिनमें फूलों वाले पौधे भी शामिल हैं और अदर मेडिसिनल प्लांट भी हो सकते हैं। चौथी लेयर है हर्ब लेयर, ये वोवले प्लांट होते हैं जो हर सर्दी में ख़त्म हो जाते हैं। पांचवी है ग्राउंड कवर, जो ज़मीन को कवर करके रखते हैं और धूप नहीं लगने देते। इसमें ग्राउंड कवर की पूरी लिस्ट है। नंबर 6 है अंडरग्राउंड लेयर, इसके अंदर रूट क्रॉप्स होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है, लाल मूली, में चिकंदर भी होते हैं, अदरक, लहसुन। नंबर 7 पे आ जाती हैं क्लाइंबर, जो बेलें होती हैं, इसमें ग्रेप्स की बेलें भी होती हैं। इसमें मैंने सेम फली भी लगाई है। नंबर 8 पे जो है वो है एक्वेटिक लेयर, इसमें मैंने अपना फिश पॉइंट बनाया है। जैसे मेरे परमाकल्चर में आपने देखा होगा, वो आपने देखी होगी वो वीडियो जिसमें वो बन रहा था, वो पहले खुदाई हो रही थी, बाद में वो खुदाई हो गई थी तब भी दिखाया था। उसमें बीच में आइलैंड भी है, उसके अंदर पानी जाएगा और उसमें हम मछली छोड़ेंगे। नंबर 9 पे फंगल लेयर, इसमें फंगल नेटवर्क होते हैं, बड़े यूजफुल होते हैं पौधों के लिए। एक पौधे का मैसेज दूसरे तक लेके जाते हैं, एक पौधे की खुराक दूसरे तक लेके जाते हैं। इस लेयर के अंदर मशरूम भी शामिल किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा डिटेल लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।